हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, मार्च 2020 में जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगने का सिलसिला शुरू हुआ और फ्लाइटें भी बंद होनी शुरू हुई, उसके बाद आज 20 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और दुनिया भर के अधिकांश देश अब फ्लाइट से पाबंदी भी खत्म कर चुके हैं, अपने बॉर्डर को भी ओपन कर चुके हैं, फ्लाइटें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान अभी भी समस्या जस की तस बनी हुई है। अभी भी इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट वही लोग ट्रेवल कर पा रहे हैं जो लोग सऊदी अरब से वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर छुट्टी पर आए हुए हैं। बाकी इंडिया में जो भी लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, या तो वो वाया दुबई होकर सऊदी अरब जा रहे हैं या फिर वो इंतजार करना ही बेहतर समझ रहे हैं। अब दोस्तों, एक बार फिर भारत के जो एम्बेसडर हैं, भारत के जो राजदूत हैं सऊदी अरब में, डॉक्टर औसाफ सईद और सऊदी एयरलाइंस के जो डायरेक्टर जनरल हैं इब्राहिम अल उमर, इनके दरमियान एक मीटिंग हुई है, एक बातचीत हुई है। इस मीटिंग के संबंध में काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा की तरफ से ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में बताया गया है कि भारत के राजदूत ने उड़ानों को यानी फ्लाइट को अति शीघ्र यानी जल्द से जल्द बहाल करने की आवश्यकता पर बल दिया है, यानी फ्लाइट को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए विशेष तौर पर बातचीत हुई है सऊदी एयरलाइंस के डायरेक्टर जनरल इब्राहिम अल उमर और भारत के जो एम्बेसडर हैं डॉक्टर औसाफ सईद, इनके दरमियान मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। बहरहाल दोस्तों, इससे पहले भी कई बार मीटिंगें हुई, आप मीटिंगें देख भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं, लेकिन उन मीटिंगों का अभी तक कोई हल नहीं निकला है, कोई नतीजा अभी तक नहीं आया है। तो एक और मीटिंग सही, जब इतनी मीटिंग हुई है तो ये मीटिंग भी सही। बहरहाल हम सब दोस्तों इंतजार करते हैं कि जल्द से जल्द फ्लाइटें ओपन हो जाए, लोग उमरा के लिए जा पाएं, इसके अलावा लोग विजिट के लिए जा पाएं, नए वीजा वाले ट्रेवल कर पाएं, छुट्टी वाले ट्रेवल कर पाएं। लेकिन क्योंकि फ्लाइटें अभी भी ओपन उन लोगों के लिए नहीं हुई है जो लोग इंडिया में वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो इस संबंध में दोस्तों आज फिर एक मीटिंग हुई है। जहां इतनी मीटिंग है वहां एक और मीटिंग का इंतजार करते हैं कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। बहरहाल जो ट्वीट करके बताया गया उसमें यही बताया गया है कि एम्बेसडर ने फ्लाइटों को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए विशेष तौर पर आग्रह किया है, उस पर बल दिया है, उस पर जोर दिया है कि फ्लाइटें शुरू होना बहुत ही जरूरी है इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान। बहरहाल दोस्तों, इस पर आगे कोई अपडेट होगी, हमारी नजर लगातार बनी हुई है, वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड बाय।